नमस्कार, मैं हूं धनश्री। के क्या न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के अंधमुख बाईपास के पास आज दो महिलाओं का किसी बात को लेकर विवाद हो गया। कुछ ही देर में ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही महिलाएं आमने सामने हो गई और एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान वहां पर बबलू खान नाम का एक युवक पहुंचा, जो कि दोनों ही महिलाओं के विवाद को सुलझाने लगा। जब दोनों महिलाओं को अलग करवा रहा था, तो उसी दौरान पड़ोस के ही कुछ लोगों ने आकर बबलू के साथ जमकर मारपीट की। सोशल मीडिया में जमकर ये वीडियो वायरल हो रहा है और मारपीट का पूरा वीडियो सामने आया है। पीड़ित बबलू ने अपने साथ मारपीट की शिकायत गढ़ा थाना पुलिस से की है। पुलिस ने पूरे मामले को रफा दफा करने को कहा है। जानकारी के मुताबिक बबलू खान किसी काम से अंधमुख बाईपास गया था, जहां पर की उसकी पहचान वाली महिला उसे मिल गई। जब वो उस महिला से बात कर रहा था, तभी पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला वहां आई और विवाद शुरू हो गया। दोनों ही महिलाओं का साथ विवाद हो गया और इस दौरान बबलू खान जब महिलाओं को अलग करवाने गया, तो आसपास के लोगों ने उसकी जमकर मारपीट की। पीड़ित ने डायल 100 को इस पूरे घटनाक्रम की सूचना दी है, जिसके बाद गढ़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्यवाही के मामले में पीछे हटी हुई है और मामले को रफा दफा करने की तैयारी में जुटी है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। क्या घटना है? ये अंधमुख बाईपास की घटना है। कल मैं वसूली करने के लिए गया था, तो वहाँ से लौटती टाइम मेरे को कुछ वहाँ के लड़कों ने, जो वहीं स्थाई रहते हैं, उन लोगों ने घेर के दौड़ा दौड़ा के मारे और अशब्द बोल रहे थे, मतलब जात के उसमें बोल रहे थे। तो इसलिए मैं वहाँ से भागने के लिए दौड़ भी लगाया, लेकिन मेरे को पकड़ के उन लोगों ने बहुत मारे। और उसकी घटना के लिए मैं गया उधर पे रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो धनवंतरी चौकी गया तो वो कह रहा है गढ़ा की है, गढ़ा गया तो वो बोल रहे हैं धनवंतरी की है, धनवंतरी थाने गया तो वो कह रहे हैं कि वहाँ की है। और मेरी, मैं रात को 3 बजे तक भटकता रहा, कोई ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। इसका सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हो रहा है। हाँ, ये उन्हीं लोग ने करे होंगे, मारे भी हैं और वीडियो भी डाले हैं। मेरा मेरा नाम बबलू खान। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।